हाँ तो भाई लोग, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए गिव अवे के साथ और एक नई प्राइस के साथ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, कौन गिव अवे में विनर बनता है और कौन नहीं विनर बनता है, इन सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलते हैं गिव अवे की तरफ। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे साथ इस गिव अवे में 13 लोग ज्वाइन हुए हैं। पता नहीं यार लोग क्यों नहीं ज्वाइन होते, मतलब क्या उनको विश्वास नहीं होता है या मैं गिव अवे ना करूं? कमेंट करके बता देना भाई लोग, जैसा भी लगे। अगर वो लगे तो बोल दो गिव अवे नहीं करूँगा मैं, क्योंकि गिव अवे आप लोगों के लिए किया था और आप लोग ज्वाइन ही नहीं होते हो तो क्या मतलब है गिव अवे का, ठीक है? तो कमेंट करके बता देना गिव अवे चाहते हो या नहीं। हाँ यार हमें, तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और अभी हमारे एजेंट राहुल जी पिक पे उतरे और नोवन जी भी है और एजेंट विनय भी है। ये शायद लगता है कि ये टीममेट होंगे क्या, तभी नाम भी इससे मिला रहेंगे। और हमारे चंदू भाई हफ्ते बैठक होते हैं और ये गोलू भाई साहब, मतलब क्या लग रहा है एक नंबर, येलो येलो कलेक्शन काफ़ी अच्छा है इनका क्या। अब भाई लोग, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी गिव अवे की, तो आपको पता होगा कि इस गिव अवे में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि आपको लॉन्ग रेंज की गन से खेलना ही नहीं है। सारी आपको क्लोज रेंज की गन से ही खेलना है। अब जिन भाइयों ने वीडियो देखी है वो भाई लोग टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से खेलेंगे, और जिनने नहीं देखी है वो तो किसे भी खेल सकते हैं, उनको प्राइज में दूंगा ही नहीं। जो भी टर्म एंड कंडीशन के अपोजिट साइड गया उसे प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये हमारे किंग बॉस, ये हमारे पिछले गिव अवे में भी इनने पार्टिसिपेट किया था बट ये विनर नहीं बन पाए थे। और ये जो है ये हमारे सूर्या भाई है, हमारे गिव अवे में न्यू मेंबर आए हैं इस बार, बहुत सारे मेंबर नए हैं। तो देखते हैं कौन क्या विनर बनता है, कौन कैसे खेलता है। वैसे मुझे ये राहुल जी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा है, क्या एक नंबर ओपी लग रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास एकदम। तो देखते हैं अब कौन दूसरा बंदा है जो गिव अवे को जीतता है और गिव अवे विनर बनता है। और ये नोवन जी का तो सारा नेटवर्क चला गया आएगा, और ये कूल भाई साहब भी अपने क्लॉक टावर पे है, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एकदम, मतलब वाह भाई। तरंग भाई साहब की तो क्या ही कहने यार, क्या लग रहा है बंदा, ओपी कलेक्शन है भाई। इसके लिए मैंने भी ट्राई किया था बट वो मुझे खुला नहीं यार, तो फिर मैं क्या करें यार, अभी ट्राई नहीं कर सकते ना। और भाई लोग क्या चाहते हो यार, क्या गिव अवे करना है या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो को लाइक करते नहीं हो, भाई चाहते क्या हो ये बता दो क्लियर। तो मैं गिव अवे करना बंद कर दूं यार, जब मतलब मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आप लोगों का तो गिव अवे करने से क्या मतलब।
तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है? तो मैं और बड़े बड़े गिवे अवे लेके आऊँ। और ये राहुल जी को लगता है कोई बंदा मिल दिखा है या किसी के पैरों की आवाज़ आई है, तभी ने ग्रेनाइट फेंका था। देखते हैं क्या होता है। वैसे राहुल जी ने एक बंदे को मार दिया है, अब इनको कोई मारता है या ये किसी और को मार पाते हैं, देखते हैं। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, 12 लोग बचे हैं, 12 लोग में कौन विनर बनता है कौन नहीं, ये तो सस्पेंस ही है यार। मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली क्या कि कौन विनर बनेगा। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कौन विनर है जो टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हुए विनर बनेगा। तो देखते हैं। तरंग भाई साहब ने भी मतलब वीडियो देखी है, तभी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ने क्लोज रेंज की सारी गन ली है क्या? अब देखते हैं ये क्या किससे फ्रेंडशिप कर रहा है, किसी कोई दिख गया इनको, हमें ही हाई कर रहे हैं। तो हेलो भाई, हेलो ओपी ओपी ओपी, ठीक है भाई, देखते हैं ये किसको मार पाते हैं या नहीं। हमारे साथ गिवे में तरंग भाई साहब है, कूल है, राहुल जी है, नुबोन जी है, विनय है, गोलू है, चंदू भाई है। और ये क्या, राहुल जी को विनय भाई साहब ने मार डाला, मतलब ये क्या हुआ यार, मतलब उनको मार डाला, वो भी लॉन्ग रेंज की गन थी साथ उनके पास। और ये क्या बोलूं भाई साहब, वो चंदू भाई साहब का बेटे है। नुबोन जी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आड़ में झाड़ू उगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब खेलने में क्या। खैर छोड़िए, देखते हैं कौन विनर बनता है। और ये जो मतलब कलेक्शन है ना MP40 और एग्जामेट का, मतलब OPR वो क्या। और ये तो उसको तो ये तो ये भी एलिजिबल नहीं है विनर के लिए। अब देखते हैं क्या ये मार पाते भी है कि नहीं मार पाते यार। और एक गाड़ी भी आ गई है, सामने ही बंदा पीछे भी बंदा, क्या होता है। मैंने एक स्क्रीन खोल ली है क्या, आपने गौर किया हो तो ब्लू वाली स्किन है इनके पास। और इनने एक बंदे को किल भी कर दिया, तो टोटल अभी अपने पास 10 बंदे बचे हैं। अब 10 बंदे के बीच में मैच हो रहा है। तो चंदू भाई का तो नेटवर्क चला गया गायब क्या। 10 बंदे बचे हैं और ये अपने कूल और कौन है, ठीक है, इन्होंने इनको कैदी कर दिया पूरा उसको। ओ भाई ये भी कैद कर दिया हुआ यार, एक नंबर। ये बात तो यार फ्री फायर खेलने वाले हर बंदे का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता हो। देख रहो सारा दिमाग यहीं लगाया हमने। खैर देखिए क्या वो उनको मार पाते हैं या खुद मर जाते हैं, देखते हैं कौन बैठा उस तरफ। कौन बैठा है टावर पे? ओ भाई गोल्डन भाई साहब और कूल भाई साहब के बीच में लड़ाई हो रही है। और क्या होता है, मतलब ये भी एकदम बर्क खेल रहा है यार।
देख लो कैसे बच रहा है। मतलब खेलना ही सब कुछ नहीं होता यार भाई, आपको बचना भी आना चाहिए। और ये ऋषि भाई साहब जी हमारे लास्ट गिवअवे में भी इन्हें पार्टिसिपेट किया था, बट ये विनर नहीं बन पाए थे। लास्ट थर्ड या हाँ थर्ड या फोर्थ तक थे ये, उसके बाद मर गए थे। क्या इस गिवअवे में विनर बन पाते हैं ये देखते हैं। वैसे भी वो बन तो सकते ही नहीं क्योंकि उनके पास लॉन्ग रेंज की गन है। बस नुवन जी और चंदू भाई मतलब पूरी टैलेंट कंडीशन के साथ ही खेल रहे हैं क्या, बाकी सब तो कुछ तो भी वीडियो देख ही नहीं है, बस खेलना उनको गिव अवे में खेलना है भाई। वीडियो देख के आया करो यार, अब नेक्स्ट टाइम से वीडियो पूरी देख के आना क्योंकि टैलेंट कंडीशन तो वही होगी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देख के आया करो ताकि गिव अवे हो तो आप प्राइज जीत सको यार। तो गिव अवे हुआ और आपको प्राइज नहीं मिला तो मज़ा नहीं आता कुछ। और ये क्या आठ बंदे बचे हैं, चंदू भाई साहब ने भी एक बंदे को मार दिया है, एजेंट विनय ने भी मार दिया है, नोबन जी ने अभी तक कोई किल नहीं किया है, और ये पता नहीं क्या नाम लिखा है सूर्या भाई और ऋषि भाई के 0-0। तो देखते हैं क्या ये मार पाते हैं, चंदू भाई इधर ही हैंगे आसपास तो क्या ये मार पाते हैं चंदू भाई को या खुद मर जाते हैं। और भाई लोग अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हो। गिव अवे से संबंधित सारे अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे सबसे पहले। और आईडी पासपोर्ट जो होते हैं कस्टम रूम के वो भी सब आपको वहीं पे मिलते हैं। तो जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और गिव अवे में इजीली ज्वाइन होइए। और ये क्या हुआ, सात बंदे बचे, तरंग भाई साहब ने दो बंदों को मार दिया है। अब देखते हैं भाई, सात बंदे बचे हैं, सर्कल भी छोटा हो रहा है, कौन विनर बनता है कौन विनर नहीं बनता है ये भी देखना। वैसे मुझे अभी कुछ भाइयों के मतलब मैसेज आ रहे हैंगे और वो मुझे यार आईडी पासवर्ड मत दिया करो यार तुम्हारे फेसबुक के, और मैं मुझे क्या किसी और को ही मत दिया करो, नहीं तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। आप फोकट ही मतलब मैं बोलता नहीं हूँ बस कुछ भी, और आप आईडी पासवर्ड डायरेक्ट लिख के दे देते हो। भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई आईडी पासवर्ड, ठीक है, तो मत दिया करो आईडी पासवर्ड मुझे, नहीं तो फोकट आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आप फिर मुझे बोलोगे कि बोझ भाई ने अकाउंट हैक कर दिया। तो ऐसे काम मत करो यार प्लीज़ ना, आईडी पासवर्ड कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका कलेक्शन वगैरह सब कुछ आपकी आईडी वगैरह सब वो अपने नाम से कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना भाई लोग, और स्पेशल मेरे न्यू फ्री फायर मेंबर, ठीक है, आप लोग बिना सोचे समझे आईडी पासवर्ड दे देते हो किसी को भी तो मत देना। वो देखते हैं पांच लोग बचेंगे और कौन क्या विनर बनता है। भाई पांच लोग बचे, सिर्फ पांच, सर्कल भी छोटा हो गया है। अभी कूल, तरंग और ये पता नहीं क्या नाम लिखा है और कौन है और ये किन्ने मारा इनको, और चंदू भाई साहब है, तो चंदू भाई साहब धो रहे, मतलब चंदू भाई साहब धो देंगे या धुल जाएंगे देखते हैं भाई। ठीक क्या हुआ, और ऋषि भाई साहब भी आ गए भाई यहाँ पर, और ऋषि भाई साहब को तो निपटा दिया हमने, मतलब रखते के साथ निपट गए। तो ऋषि भाई साहब भी सोच रहे हैं कहाँ आ गया मैं इनके बीच में, और ये क्या हाई कूल भी मतलब इधर टावर पे से मारे जा रहे हैं उनको,
मतलब सब दूर से पढ़ रहे हैं उनमें क्या, मतलब चंदू भाई सब भी यहीं पे और ये भाई सब भी, इनका नाम समझ में नहीं आ रहा, ये भी यहीं पे है। अब कौन किसको मारता देखते हैं, अगर ढूंढ तो रहे हैं वो भी। और ये आपने सामने आ गया, क्या हुआ होता है क्या, अरे भाई ये क्या हुआ, चंदू भाई सब ने मार दिया। और इसी के साथ चंदू भाई सब के दो किल हो गए हैं, तरंग भाई सब के दो किल हो गए हैं और कुल भाई सब के एक किल हैं। अब तीन प्लेयर बचे हैं और तीनों के तीनों जाएंगे हमारे क्लॉक टावर पे। क्लॉक टावर मतलब बोले तो सबसे डेंजर प्लेस। अब देखते हैं क्या होता है, तीन तो मेंबर बचे हैं बस, तीन में से कौन विनर बनता है। बस मैच खत्म होने वाला है और इनके पास भी लॉन्ग रेंज की गन है, देख रहे हो आप एग्जामेट, और ये एग्जामेट से मार भी रहे थे बंदों को, तो ये तो एलिजिबल है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। और इनने तो एक ऐसे एक बंदे को मारा ही है, तो ये भी एलिजिबल नहीं है अपने तरंग भाई साहब। हाँ चंदू भाई साहब ने सारे जो एनिमी को किल किया है वो सब क्लोज रेंज की गन से, तो देखते हैं भाई चंदू भाई विनर बनते हैं। चंदू भाई विनर बने तो उनको प्राइज दिया जाएगा क्योंकि वो टर्मेंट कंडीशन के हिसाब से खेल रहा है। पर अब चंदू भाई साहब विनर बनते हैं या नहीं ये डिपेंड करता है ना मैन, तो देखते हैं भाई कैसा क्या चलता है। तरंग भाई साहब भी मतलब पूरे होशियारी के साथ खेल रहे हैं, मतलब वो भी हिलेंगे नहीं घर में से। मतलब कलेक्शन देख रहा, मतलब मेरे को लगता है कलेक्शन बड़ा मस्त लग रहा है। ये जो सूट है इस बंडल के लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया, कई सारे डायमंड खर्चे कर दिए मैंने और नहीं खुला। आप क्या कर सकते हैं, नहीं खुला तो नहीं खुला। काफ़ी अच्छा बंडल है। तिजोरी में से नोटे से बाहर निकल रहा है, एक आता भाई इधर भी गिरा दे भाई हमारे पास। खैर छोड़ो, सर्कल बहुत छोटा हो गया है, जोन स्टार्ट होने वाला है। और अब कौन किसको मारता है भाई, कौन विनर बनता है, विनर कौन भुया करता है मैच में। और मुझे भाई लोग नेक्स्ट गिवे में क्या प्राइज रखना है वो बता देना, तो अगर हुआ पॉसिबल तो मैं उसी प्राइस का गिव अवे करूँगा, ठीक है तो बता देना। और ये क्या चंदू भाई साहब को तो मतलब निपटा दिया तरंग भाई साहब ने। और अब कूल और तरंग आमने सामने हैं, तो क्या तरंग भाई साहब विनर बनते हैं या कूल भाई साहब, देखते हैं। वैसे मैं इन दोनों में से किसी को भी प्राइज नहीं दूंगा क्योंकि दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज की गन से खेल रहा है, तो कोई भी विनर बने भाई मैं आपको लॉबी में इनवाइट करूंगा ही नहीं, ठीक है। बस गेम का मजा लीजिए आप, प्राइज में दोनों में से किसी को नहीं दूंगा। और ये कूल भाई साहब विनर बन चुके हैं और मैं इनको प्राइज़ दूंगा नहीं, ना ही इन्हें लॉबी में इन्वाइट करूंगा। क्यों, क्योंकि इन्हें टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया।